सब्सक्राइब करें मेरे चैनल यूमी ऑन यूट्यूब को, और यहीं पे जो बेल का आइकन है इसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यहीं पे आप मेरे दूसरे चैनल का लोगो देख सकते हैं, दिव्या व्लॉग्स, आप इसको भी यहीं से सब्सक्राइब कर सकते हैं। आ गया ना मुँह में पानी, तो देखिए कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है। ये दही बड़े बहुत ही टेस्टी और बहुत यम्मी लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्या और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यूमी ऑन यूट्यूब पे। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई हो होली की। बिल्कुल पास आ गई है होली और ऐसे में दही भल्ले बनाना तो बनता है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम मस्त वाले दही भल्ले की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट दही भल्ले बनेंगे और बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लगेंगे। आप मेहमानों को सर्व करेंगे ये दही भल्ले तो वाह वाह कर उठेंगे वो। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी ये रेसिपी, और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तो चलिए बनाते हैं दही भल्ले। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए दो तरह की दाल ली है, बिना छिलके वाली मूंग की दाल और बिना छिलके वाली उड़द की दाल। तो कोई कोई लोग बिना कोई कोई लोग किसी एक दाल से ही बनाते हैं, या तो उड़द की दाल से बनाते हैं या तो मूँग की दाल से। मूंग की दाल वाले जो बड़े होते हैं थोड़े सॉफ्ट कम होते हैं, तो मैंने यहाँ दोनों मिक्स करके बैलेंस कर दिया है, तो बहुत ही अच्छे दही बड़े बनेंगे। तो ये मैंने हाफ हाफ कप लिया है दोनों दालों को, आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दाल लें। तो इन दोनों दालों को हमें अच्छे से बिल्कुल वॉश करके और फिर सोक करना है। तो मैं इनको डाल देती हूँ एक बड़े से बर्तन में और मिक्स कर देती हूँ दोनों दालों को। और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो जैसे ही मैंने पानी डाला तो आप देखिए कितनी गंदगी है इसमें, बिल्कुल मटमैली सी दिख रही है। तो जो भी दालें हैं वो जितनी भी फ्रेश दिखें बट उनको 3-4 पानी से धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी धूल और मैल होती है वो उन दालों में वो सारी निकल जानी चाहिए अच्छी तरीके से, उसके बाद ही हम इनको सोक करें तो अच्छा है। तो 3-4 पानी से, साफ़ पानी से धोने के बाद मैंने इसको सोक किया है। तो अब मेरी दाल बिल्कुल फ्रेश मतलब धुल चुकी है अच्छे से। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, तो देखिए कोई भी डर्ट नहीं आ रही है, बिल्कुल साफ़ है पानी। तो अब इनको हम 3 से 4 घंटे तक सोक करके रख देंगे। तो आप चाहें तो ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं होती है उतने घंटे के लिए, 4 से 5 घंटे में भी आसानी से सोक हो जाते हैं। तो इस समय सुबह है और मैं दोपहर तक आराम से बना लूँगी। तो 4-5 घंटे के बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में रख दिया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। तो 10-15 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही रख दें किसी चलनी या स्ट्रेनर में, तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा और हमको दाल अच्छे से मिल जाएगी, फिर हम उसको पीसेंगे। क्योंकि ये जो दाल पीसती है इसमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं होता, तो ये ड्राई ही पीसनी है हमको। तो बहुत अच्छे से सोख हुई रहती है इसलिए बहुत अच्छे से पीस जाती है। अगर आपको लगे कि ड्राई है, मिक्सी चल नहीं पा रही है, तो आप 1-2 चम्मच के लिए उसमें पानी डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच। तो मैंने बहुत कम पानी का इस्तेमाल करके इसको पीसा है, और बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ी थोड़ी दरदरी ही रहे तो ही अच्छी बनते हैं वड़े। तो मैंने ये दाल पीस ली है अच्छे से, और ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है। तो आगे की तैयारी करूँ उसके पहले मैंने यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है वड़ों को तलने के लिए, तो आप भी ऐसा करें, टाइम की बचत होगी। और इधर मैंने ले लिया है गुनगुना पानी से, थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी है, क्योंकि जब तक वड़े डालेंगे तब तक ये गुनगुना हो जाएगा। तो ये पानी हमने लिया है वड़ों को सोक करने के लिए। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, आप चाहें तो जो कॉमन वाला सॉल्ट होता है, रेगुलर सॉल्ट, वो डालें। मैं यहाँ पे काला नमक डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के बराबर, और थोड़ी सी 2 चुटकी हींग डालूँगी मैं इसमें, ताकि जब हम वड़ों को इसमें डालें और वड़े जो पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके साथ साथ काले नमक का जो टेस्ट और जो हींग का टेस्ट है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वड़े बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो अब मैंने जो दाल पीसी है उसमें मैं ग्रेटेड अदरक और हरी मिर्च डाल देती हूँ, आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसको हम मिला लेंगे, और साथ में डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे की खुशबू और उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है वड़ों में, ये तो बिल्कुल मस्ट है, आप ज़रूर डालिएगा। और साथ में हम डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, तो 2/3 चम्मच छोटी चम्मच के बराबर ये सॉल्ट होगा। और इसको डाल के अब हमारी जो मेहनत है वो शुरू होती है। अगले 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से 1 डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप जिस भी दिशा में घुमा रहे हैं उसी दिशा में आप इसको घुमाते रहें, फेंटते रहें, तो 6 से 7 मिनट लग जाते हैं आराम से।
और मैं हाथों से इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हाथों की जो हमारी गर्मी होती है उससे ये ज़्यादा ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो कुछ पिलपिले से हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए चम्मच से कर रही हूँ ताकि जो इनका टेक्सचर है वो जितना फ्लफ़ी मुझे चाहिए वो इसी से मिल सकता है। तो हाथ को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे जब हमें इसके भल्ले बनाने होंगे, तब हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए मैं इसमें चम्मच से ही इसको फेंट रही हूँ। आप चाहें तो हाथों से फेंट सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कितना फ्लफ़ी होते जा रहा है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद 5 से 6 मिनट, 7 मिनट भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम एक्यूरेट बिल्कुल 6 मिनट लगेंगे, 7 भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते हैं, या कम में भी हो सकता है, आपके फेंटने की स्पीड के ऊपर है। उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। एक पानी के कटोरा ले लीजिए, पानी का बोल, उसमें थोड़ा सा टुकड़ा आप डालेंगे तो देखिए फट से ऊपर ये तैर रहा है, यानी ये जो हमारा पेस्ट है ये बिल्कुल ही तैयार है, फ्लफ़ी और हल्का है, और हमारे वड़े भी ऐसे ही बनेंगे फ्लफ़ी और हल्के। तो ये इस टेस्ट को पास कर चुका है और अब हम चलते हैं तेल में, हमें ड्रॉप करना है हमारे जो भल्ले हैं उनको। तो हम हाथों को पानी से भिगो लेंगे और एक एक करके इस तरीके से जितने बड़े आपको भल्ले बनाने हैं उस हिसाब से आप इसमें ड्रॉप करें उतने बड़े भल्ले, और एक साथ जितने डालने हैं, बहुत ज़्यादा न डालें ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सकें। तो इनको बहुत अच्छे से हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन आने तक भुनना है, मतलब फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा एकदम क्रंची नहीं बनाना है, लेकिन एक नाइस सा कलर आना चाहिए। तो ये मेरे वड़े बिल्कुल रेडी हैं, इनके ऊपर एक हल्का सा गोल्डन कलर भी आ चुका है, और ये देख के कितने फ्लफी और हल्के लग रहे हैं आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, ऐसा ही कलर आना ज़रूरी है, एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रंची फ्राई नहीं करना है हमें। तब मैं इनको टिश्यू पेपर पे निकाल लेती हूँ। आप देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है, लाइट गोल्डन कलर। तो ये मैंने अपने जो भल्ले हैं वो मैंने निकाल लिए, आप देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं ये। तो अब मैं इनको जो पानी में हम लोगों ने मिला के रखा था, ये देखिए कितने सॉफ्ट, मैं आपको छू के बता रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो अब हम इनको इस पानी में सोक कर देंगे जिसमें हमने हींग और काला नमक मिलाया था, और ये गुनगुना है वाटर, तो इसमें हम अगले 10 से 15 मिनट के लिए इनको हम सोक करके रख देंगे। तो अब ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो चला गया है पानी में, और जो भी एक्सेस वाटर है वो आप थोड़ा सा स्क्वीज़ करके निकाल दें, बिल्कुल ही पानी ना निकालें अंदर से, वरना बिल्कुल ही सूखे सूखे लगेंगे। थोड़ा पानी रह भी जाता है अगर भल्लों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक प्लेट में जितनी आपको जितने भल्ले चाहिए आप लगा लें, प्लेटिंग कर लें। उसके बाद ऊपर से आप बिल्कुल फ्रेश दही थोड़ी सी आप फेंट लें दही को, और उसके बाद इसके ऊपर इसको नहला दें दही से। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से नहला देना है ताकि पूरा जो दही है इसके ऊपर अच्छी सी लेयर आ जाए दही की, आप इसमें कंजूसी ना करें, और घर की दही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम दो तरह की चटनी भी डालेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये मेरा ये सीक्रेट मसाला है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आप डाल दूँगी चैनल पे। तो ये मैंने दही भल्लों के लिए बना के रखा हुआ है, अक्सर मैं यूज़ करती हूँ, रायता में भी यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने डाला है। वो ना हो तो भुना हुआ जीरे का पाउडर 1 चम्मच डाल दें, आधा चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर डाल दें थोड़ा सा। अब मैंने हरी चटनी डाल दी है, और ये सौंठ जिसे हम लोग इमली की चटनी कहते हैं वो डाल दें अच्छे से। इसकी रेसिपी मैं चैनल पे डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना वहाँ से। तो लग रही है ना बिल्कुल टेस्टी, यमी, डिलीशियस, रुका नहीं जा रहा है, ऐसी टेम्पटिंग लग रही है। तो मेहमानों के आगे आप रखेंगे तो वाह वाह कर उठेंगे मेहमान, आप ज़रूर ट्राई करना। और आपको अगर इसके ऊपर कुछ और डेकोरेट करना है और कुछ डालना है तो आप आलू की भुजिया या जो सेव होती है नायलॉन सेव वो डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बने हैं दही भल्ले, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। होली में तो ज़रूर आप बनाइएगा, और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, अगर अच्छी लगेगी तो लाइक भी ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो इतने अच्छे और टेम्पटिंग दही भल्ले बनाना तो बनता है, आप ज़रूर ट्राई करना। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।